अब हम कोर्स चार के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे और कोर्स चार है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में समुदाय और अभिभावकों की भूमिका। साथियों, आप एक शिक्षक हैं और साथ साथ ही शिक्षक के साथ आप एक पालक भी हैं और समुदाय के लोग भी हैं, तो आपको तीन प्रकार की भूमिकाएं हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से समझना। जब आप विद्यालय में हैं तो एक शिक्षक के नाते आपको कैसे करना चाहिए, जब एक आप एक घर में हैं तो एक पालक के नाते आपको क्या व्यवहार होना चाहिए, और एक समुदाय में है तो ओवरऑल यदि आपको सोच रहे हैं तो एक समुदाय की भूमिका क्या होनी चाहिए। इन तीन महत्वपूर्ण भूमिकाएं आपको निभाना है और इन भूमिकाओं के बारे में, इन बिंदुओं पर बारे में बात करने के लिए मैडम स्वाति दास कोर्स चार के बारे में जानकारी देंगे। साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है इस आज के इस चर्चा परिचर्चा में। और जैसा कि साहू सर ने बताया, अभी हम कोर्स चार की ओर चलेंगे जिसका शीर्षक है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। तो अभी अभी आपने एक बहुत अच्छी प्रस्तुति सुनी है आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा। उसमें ये बताया गया आपको कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, और उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की गई, जो बातें बहुत सी थी पर एक बात जो थी वो इससे संबंधित है, उसको मैं दोहरा देती हूँ, और वो थी बच्चों के लिए परिवेश का निर्माण। और उसमें बताया गया परिवेश कैसे बनता है, और एक छोटी कहानी भी बताई गई कि उसका परिवेश उसका खड़खड़ करता हुआ पंखा था। लेकिन इस ये छोटी सी बात थी, पर देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी गहराई है। कैसे? ये इस प्रकार से है कि आपके आसपास जिस तरह का वातावरण रहता है, आप उस तरह के ढल जाते हैं कई बार अपने आप, और ये पता भी नहीं चलता। तो यही इस कोर्स का सबसे बड़ा कहना चाहिए मुख्य बिंदु है। तो आपके बच्चे के लिए आसपास ऐसा माहौल बनाना कि उसे पढ़ाई करनी है, ये हर वक्त उसके अवचेतन मस्तिष्क में समाया रहे। तो अब मैं इसको रिलेट करती हूँ कि ये कैसे हो रहा है। तो ये ऐसे हो रहा है कि हम आज मनन करने बैठे हैं बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो इसका आयु वर्ग हमें याद है, आयु वर्ग है इसका 3 वर्ष से लेकर 9 या 8 वर्ष कह सकते हैं, 1 साल का अंतर रहता है एक ही कक्षा के बच्चों में। तो हमारा जो इसका लक्ष्य समूह है वो 3 वर्ष से लेकर 8-9 वर्ष तक का है। तो ये ऐसा आयु समूह है जो बहुत अधिक कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकता, मतलब कि उससे अगर हम अपेक्षा करें कि वो 12 घंटे 18 घंटे पढ़े जैसे लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करते हैं, तो शायद वो ना कर पाए। तो इसको क्या है, हमें माहौल देने की जरूरत है। और आपने इसमें अभी कोर्स 3 में सीखा बहुत अच्छे तरीके से कि शिक्षक की भूमिका क्या है। तो बच्चा वहां पर पहुंच गया कि वो शाला में पहुंचा हुआ है और बहुत अच्छे से शिक्षक ने मेहनत की अपने कोर्स को पढ़ाने में, हर तरीके की उसने भूमिका निभाई, हर तरीका अपनाया, चाहे खेल का हो चाहे और किसी तरीके का हो, समूह में सीखना हो, छोटे बड़े सब किया उसने। लेकिन बच्चा क्या होता है, 24 घंटे में से कितने घंटे शाला में रहता है, शाला की भूमिका बहुत अच्छे से हो गई, फिर उसके बाद वो बच्चा आ रहा है अभिभावकों के पास और समुदाय के पास। तो यहाँ पर यदि 24 घंटे में बांटा जाए तो मोटा मोटी 5 घंटे के बाद का समय इनके पास रहता है। फिर ये जरूरी है कि रात्रि विश्राम भी लंबी है, लेकिन फिर भी इनके पास भी बहुत समय तक रहता है। तो इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसी में आप सीखेंगे पहला पॉइंट कि माता पिता और समुदाय की आवश्यकता और महत्व क्यों है। तो इसी का आंसर था ये कि बच्चा उनके साथ रहता है इसलिए उनका महत्व है। इसमें आप जानेंगे इस कोर्स को करने के बाद कि उनकी सार्थक सहभागिता कैसी है, मतलब सहभागी तो वो चाहे ना चाहे अनचाहे हर तरीके से बच्चों के साथ रहते हैं, परंतु उसकी सार्थकता कब होती है ये आप सीखेंगे। फिर उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है, मैं चाहूंगी कि अगले बिंदु से अपन शुरू करें इसको। और जो हमारा पहली भूमिका है अभिभावकों की सहभागिता, तो पहले एक शिक्षक को, अच्छा मैं बता दूं कि ये एक शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक ही
को तय करना है कि उसका अभिभावक क्या हो, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पर एक आपको प्रश्नावली दिख रही है जो बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले आप परीक्षण कीजिए कि आपके शाला में जो अभिभावक आपको मिले हैं वो किस तरीके के हैं, तब आप उनको अपनी पढ़ाई में जोड़ सकेंगे। तो इसमें दिया गया है, बहुत सारे पॉइंट है, मैं कुछ को पढ़ती हूँ कि बुनियादी शिक्षा गतिविधियों का उन्मुखीकरण। तो इसमें बात किसके बीच हो रही है, अभिभावक और विद्यालय प्रबंध समिति के बीच की बातचीत है ये। तो क्या ये अक्सर होती है या कभी कभी होती है कि बहुत मुश्किल से या कभी नहीं, या भरवा सकते हैं उनसे? फिर अभिभावकों और शिक्षकों की मासिक बैठक का आयोजन, और उसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में कोई चर्चा होती है क्या? तो आप पूछ सकते हैं अक्सर होती है कि कभी कभी या बहुत मुश्किल से या कभी नहीं। तो इस प्रकार इसमें बहुत से प्रश्न हैं जो कि 10 क्रमांक तक दिए गए हैं। मैं उसे पूरा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपके ये कोर्स में ये आपको मिलेगा, 10 प्रश्न हैं इसमें, और 10 प्रश्नों को आप अपने विद्यालय में अभिभावकों से भरवा लें, तब फिर आपको अपने अभिभावकों की पोजीशन पता चल जाएगी, उनकी स्थिति। ये इसलिए जरूरी है कि जब यदि आप किसी क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है। जब वर्तमान स्थिति पता होगी तब हम उसमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या हटाना है, ये हम बहुत आसानी से तय कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे। जैसे 7वां पॉइंट एक और मैं पढ़ते रही हूँ कि बच्चों के कामों की प्रशंसा करना तथा विफलताओं की शिकायत के बजाय उनके कारणों पर चर्चा तथा सकारात्मक दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास। देखिए बहुत बड़ी बात है, इसमें 3 पॉइंट है। किसी बच्चे ने बहुत अच्छा किया तो उसकी प्रशंसा होती कि नहीं होती? कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत अच्छा करता है लेकिन कभी गांव के कुछ उच्च पहुंच वाले लोगों के कारण, या शिक्षक के किसी मनपसंद बच्चे के कारण, या अन्य और भी किसी कारण से कई बार अच्छे कामों की भी प्रशंसा नहीं हो पाती है। तो ये सुनिश्चित करना, ऐसा होता है क्या? फिर विफलता अगर किसी बच्चे को मिली है तो उसकी शिकायत बताने के बजाय ये यदि ढूंढा जाए कि नहीं भाई, ये बच्चा पिछले 1.5-2 साल से इसलिए नहीं पढ़ पाया कि इसके पास साधन नहीं थे पढ़ने के, या इसलिए नहीं पढ़ पाया कि उसको जीविकोपार्जन भी करना है, मतलब उसे अपने लिए काम करना है अपने जीवित रहने के लिए, तो ये कारण पर चर्चा हो जाए, उसके कारणों को यदि दूर किया जाए तो वो सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, अभिभावक सोचते हैं, अक्सर सोचते हैं कि कभी कभी सोचते हैं कि कभी नहीं सोचते, कि आप उनसे भरवा सकते हैं। तो ये हो गई अभिभावक की स्थिति। फिर अपन इसमें नेक्स्ट चलते हैं। फिर अपन जानते हैं कि इसकी सार्थक सहभागिता कैसी है अभिभावकों की। तो पालक जो है हमारे, उसमें 2-3 किस्म के हैं ना, शिक्षक भी अलग है और सोचते हैं और पालक भी। जैसे कुछ शिक्षक सोचते हैं कि अरे माता पिता को ना आए तो ज्यादा अच्छा है, हम बच्चों को अच्छे से तरीके से सिखा सकते हैं, बच्चे ही हमारे लिए इतनी मुसीबत है, अब हम उनके माता पिता को काम सिखाते चलें, तो इसलिए वो सोचते हैं कि ना आए। कुछ पालक भी ऐसे सोचते हैं कि अरे अब तो हम बच्चों को 24 घंटे तो हम ही देखते हैं, कम से कम 5-6 घंटे तो स्कूल वाले देखें, अच्छी बातें सिखाएं, संस्कार दें, बुद्धि बढ़ाएं, ये ऐसे सोच देते हैं। फिर कुछ लोग को लगता है इसके विपरीत, कुछ पालकों को क्या कि वो जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं ताकि उसकी हम घर में भी मदद कर सकें। तो देखिए यहाँ पर पालकों, शिक्षकों और सबके अलग अलग विचार मिलते हैं। तो इन विचारों को आपको जानना है, एक कैसे जानना है, शिक्षक होने के नाते ये आपको जानना है कि ये बच्चे के जो माता पिता हैं वो किस प्रकार के हैं, तब फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप उनके साथ ट्रीट करेंगे, मतलब उनके अनुसार उन्हें कार्य देंगे, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, उनके अनुसार उनसे अपेक्षा करेंगे कि जो अभिभावक चाह रहे हैं कि उनके बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं तो वो जरूर उनको बता दिया जाए, नए नए शब्दावली से परिचित किया जाए उनको, लर्निंग आउटकम्स और बाकी सारी चीजें, ताकि वो बच्चे की मदद कर सके। तो ये हो जाती है सार्थक सहभागिता। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें सार्थक सहभागिता आपको मिल गई, तो उसमें फिर क्या करना है कि बच्चों को, सॉरी पालकों को ये बताना है कि बुनियादी साक्षरता संबंधी गतिविधियां कौन कौन सी है।
तो ये बुनियादी साक्षरता संबंधी गतिविधियां बहुत सारी हैं, उसमें लिस्ट है, उसमें खेल के माध्यम से पढ़ाना है, उनको सहायक सामग्री देना है, उनका आकलन विशेष तरीके से होना है, उनके लिए अलग अलग समिति गठित हो रही है, उनके लिए एक पूरा एक प्रोग्राम बन रहा है, तो उसको अभिभावक को बताना है। फिर उसके बाद माता पिता को जो विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका है उससे परिचित कराना है और उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद अभिभावकों को प्रेरित करना है कि वो अपने विद्यालय जीवन के बारे में अपने विचार बताएं, मतलब कि जब वो बच्चे थे तब उनका स्कूली जीवन कैसा था, वो क्या अपेक्षा रखते थे, क्या उसमें अच्छा था, क्या उसमें ऐसा था जो उनके हिसाब से उनके बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, तो ये बताएं जरूर। फिर उसके बाद परिवार और समुदाय के साथ सहभागिता को प्रभावी बनाने के लिए, मतलब पालक अपनी बातें शिक्षक को बताए और शिक्षक अपनी बातें पालक को बताए, इसमें उनको आगे लाना चाहिए। फिर उसके बाद एक अगला पॉइंट इसमें अच्छा है कि जन अभियान तथा बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। जन अभियान मतलब यदि कुछ कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर या शहरों में जिला स्तर ब्लॉक स्तर पर आयोजित होते हैं, एक बड़े मैदान में कुछ कार्यक्रम होता है या उसका प्रचार प्रसार होता है, तो उसका अलग सा असर आता है, यानी ये कुछ अलग ही चीज चल रही थी। जैसे अभी महापरीक्षा हुई तो ये बड़ा अच्छा शब्द लगा, महापरीक्षा। अब परीक्षा से तो सब परिचित है, महापरीक्षा क्या थी, तो इससे क्या है, एक जागरूकता आती है, उसमें जनप्रतिनिधि जुड़ते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है कि अरे हमारे क्षेत्र में कौन कौन से लोग हैं, कितने पढ़े हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने छूट गए हैं, उनको कैसे लाए, ये सब बातें, तो ये क्या होता है, जागरूकता लाती है। तो ऐसे जन अभियान करना है। फिर उसके बाद एक इसमें बहुत अच्छी चीज है कि विद्यालय की ओर से टाइम टेबल एक बनाया जाए, समय सारणी, जिसमें अभिभावकों को भी समय दिया जाए कि आपके पास एक घंटा है, आधा घंटा है या 15 मिनट, जैसी उपलब्धता हो समय की, उस हिसाब से वो अभिभावक आए वहाँ, माता पिता, और फिर बताए कि उसके बच्चे को गृह कार्य करने पर यहाँ पर मुश्किल आती है, या वो इन बातों में अच्छा है, या आपकी तरफ से ये और उसे सिखाना चाहिए, ऐसा वाला अटेंडेंस पालक का होना चाहिए। ये नहीं कि आए और रिजल्ट देखे और फिर चले गए, वैसा नहीं, उसकी पूरी सक्रिय भूमिका इसमें होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें हैं जो अभिभावकों द्वारा की जानी चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि अभिभावक को क्या करना है, ये तो शिक्षक को करना था अभिभावक के साथ मिलकर शाला में, और लेकिन अभिभावक को घर में क्या करना है, उसमें से कुछ बातें यहाँ पर शेयर हो रही हैं। जैसे पहला, प्रिंट समृद्ध घरेलू वातावरण तैयार करना। मैं फिर से याद दिला दूं कि इसका आयु वर्ग क्या है, 3 वर्ष से लेकर 8-9 वर्ष तक का छात्र है ना, तो यदि वो कुछ सीख रहा है स्कूल में और वो उसको घर में भी दिखे तो वो प्रिंट रिच वातावरण हो गया, तो वो उसको सब चीज घर में भी दिखेगी, तो उसको एक मेमोरी रिकॉल होती है, क्या कि बार बार यदि कोई चीज बोली जाती है तो वो ध्यान में बस जाती है। तो ऐसा घर में भी उसको कुछ चार्ट वगैरह लगा दें, गिनती के या भाषा के या अनार के चित्रों से संबंधित, तो वो उससे क्या है, याद करने में बहुत मुश्किल आएगी। मैं एक छोटी सी बात हमेशा बोलती हूँ कि अनार का जिसने भी बनाया या इन्वेंट किया, आविष्कार किया, उसने ऐसा ही क्यों बनाया कि एक अर्धगोला लिया, उसके नीचे एक अर्धगोला लगाया, एक पड़ी लकीर खींची, फिर एक खड़ी लकीर खींची और बोल दिया अनार का, सारे बोलो अनार का, वो तो कुछ और भी डिजाइन हो सकती थी ना, तो हम तो जान गए और कब सीखे ये पता भी नहीं है, लेकिन एक नए बच्चे के लिए वो एक चित्र है खाली, वो सोच सकता है कि भाई ये अ ऐसे ही क्यों बना, ब बकरी का ऐसे ही क्यों है, तो या एक को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, चार को ऐसा क्यों घुमाते हैं, तो ये बातों के लिए उसको प्रिंट रिच वातावरण बहुत जरूरी है। फिर गाने, तुकबंदी और जोर से बोलकर पढ़ना, मतलब बच्चे की सामग्री को ही आप जोर से पढ़िए, ये पालकों को हम बता सकते हैं। फिर स्वतंत्र वार्तालाप, कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा बहुत संकोची स्वभाव का होता है, जैसे कई जो होते हैं, अगर मान लो उसमें कुछ कमी रहती, मान लो वो अच्छे से बोल नहीं पाता है धारा प्रवाह, तो वो बात करने में झिझकता है, किसी नए व्यक्ति को देख के वो कभी बात नहीं करता, लेकिन अपने माता पिता से वो बहुत खुला रहता है, क्योंकि उसके माता पिता को उसकी कमी पता रहती है,
तो इसलिए ये स्वतंत्र वार्तालाप जरूर करना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें छूट गई, मान लो किसी कारणवश बच्चा एक आध दिन एबसेंट हो गया, तो वहां जो पढ़ाई हुई वो किससे समझेगा? वो शिक्षक आगे बढ़ गए हैं क्योंकि उन्हें तो बाकी बच्चों को भी लेके चलना है, तो वो अगर अपने घर में अच्छे से बातचीत कर सकता है तो वहां से सीख सकता है। फिर ये साझा पठन, मतलब बच्चा यदि कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके साथ उसके माता पिता भी पढ़ लें, वो भी सीख लें उसके साथ ही, तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि मेरे पिता मेरे साथ सीख रहे हैं। हो सकता है कई बार वाकई में सीखते हैं, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे के कोर्सेस से बहुत सारी चीजें सीखी थी, हालांकि अपर क्लासेस में सीखी, लेकिन फिर भी बहुत सीखी। मुझे भूगोल बिल्कुल नहीं आता था, सामाजिक अध्ययन पढ़ा था मैंने लेकिन सब भूल गई थी, तो ये सब बहुत अच्छे से मैंने सीखा फिर से दोबारा। तो उससे क्या बच्चे को आत्मविश्वास आता है कि मेरे पिता मेरे साथ सीख रहे हैं, मेरी माता सीख रही है, मतलब मैं कुछ हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, तो ये बहुत मददगार होता है। फिर उसके बाद इसी में और बहुत सारे पॉइंट हैं, स्थानीय खिलौने तथा जोड़ तोड़ वाली खेल सामग्री का उपयोग, तो ये सब भी आप बच्चे के साथ आसानी से कर सकते हैं। ये कौन से काम थे जिनकी बात कर रही थी मैं? घर में जो पालकों को करना है, तो ये पालकों की जिम्मेदारी हो गई जो घर में करना है। अब अपन इसमें नेक्स्ट जाते हैं, अभिभावक और परिवार को जोड़ने के लिए मार्गदर्शी कुछ बिंदु हैं जो आपको इस कोर्स में जानने की जानकारी मिलेगी, कि इसमें हर उम्र के तथा कक्षा के सभी बच्चों की अभिभावकों की सहभागिता होनी चाहिए, जिससे अभिभावकों का भी आत्मविश्वास इसमें बढ़ाना है ना, स्वयं संवाद और साक्षरता कौशल की जो कमी है। कई बार अभिभावक सोचते हैं, ये थोड़ा आगे आएगा और भी इस बारे में, तो मैं तब बात करूंगी इसकी, कि अभिभावक ये सोचते हैं कि मैं शायद बहुत अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, तो इसको भी हमको अभिभावक के मन से निकालना है और उसको फिर घर में और विद्यालय दोनों में शिक्षण प्रक्रिया में सहयोग के अवसर प्रदान करने हैं। फिर उसके बाद इसी में है कि जो विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी फिलहाल कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? FLN। अब बच्चा बोलेगा FLN तो जरूर अभिभावक सोचेंगे ये क्या है, फिर ये पता चलेगा कि ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो ये ऐसा यदि कुछ विशेष कार्यक्रम आता है तो उसको अभिभावक को जरूर जानकारी रखनी है। और फिर समाज सेवी संस्थाएं जो रहती हैं उनके नंबर, और यदि बच्चे में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उसको कुछ विशेष आवश्यकता है, तो उसके लिए भी क्या है समाज सेवी संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ एक गर्ल आई थी जिसके पैर नहीं था घुटने के नीचे, और वो एक पैर से कूद कूद के चलती थी, तो जब आई तो बड़ा विचित्र लगा सबको। फिर हमारे यहाँ कुछ सर लोगों ने संस्थाओं के नंबर उसे उपलब्ध कराए और उसे फिर एक आर्टिफिशियल लेग मिल गया और वो फिर दोनों पैरों से चलने लगी। तो ऐसा कुछ जरूर पालक को पता होना चाहिए, और नहीं है तो इसमें शिक्षक को संवाद करके ये उनको बताना चाहिए। तो ये दोनों के मार्गदर्शी बिंदु हैं कि मतलब किस तरीके से मार्ग अपना आगे बढ़ाना है इस दिशा में। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसमें कमी कहाँ रह जाती है, क्यों ये ऐसा हो नहीं पाता? ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले सबको कोई सोचा नहीं होगा, ये सबको सबके दिमाग में आता है या सब इस दिशा में सोचते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो पालकों का रोजगार का समय है, जब वो कमाई करने जाते हैं, और विद्यालय का समय वो एक ही होता है, तो इसलिए पालकों के पास समय नहीं होता। दूसरा, पालकों के पास बहुत सारी प्रतिबद्धताएं होती हैं, यानी उनकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो वो ये नहीं कर पाते क्योंकि स्कूल की भी जिम्मेदारी बच्चे की भी जिम्मेदारी उठाएं। तीसरा, उनके पास समय की कमी होती है, उनको बहुत सारी चीजें करनी होती है तो उनको समय कम पड़ता है। फिर उसके बाद शिक्षक खुद ही भरोसा नहीं करते, स्कूल खुद ही भरोसा नहीं करते अभिभावक के ऊपर कि पता नहीं इनके कितना समझ आएगा और ये कितना पढ़ा पाएंगे। फिर कभी ये होता है कि विद्यालय जो संदेश भेजता है कभी डायरी में लिखकर या कभी बच्चे के द्वारा, तो उसको भी पालक समझ नहीं पाते, और फिर कई बार अभिभावकों को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको भी उनमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, तो वो नहीं कर पाते उसको, तो भी ये प्रोग्राम
फेल हो जाता है। फिर निरक्षरता और एक्सपोजर्स, मतलब कि वो जिस काम को कर रहे हैं उसमें वो बहुत एक्सपर्ट है, कौन, अभिभावक, परंतु यदि उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है और वो उन्होंने कभी किया नहीं होता तो उनके अंदर एक झिझक होती है, अनुभव की कमी होती है, तो भी ये रह जाता है, ये अच्छा एक काम होते होते। फिर सामुदायिक स्तर पर सक्षम नेतृत्व का अभाव, फिर अधिक लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए विद्यालय के पास संसाधन का अभाव, कई बार ये होता है कि कुछ पेरेंट्स को बुला सकते हैं, उनको बिठाने की जगह है, बाकी के लिए नहीं है, तो ये सब भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें समुदाय और अभिभावक की जो सहभागिता होनी चाहिए शालाओं में उसको वो कम कर देती है। तो ये इसके पूरे पॉइंट थे, मैं समय के अनुसार इसको ली हूँ और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत अच्छी एक चीज आ रही है अपने विद्यालय में निकल कर, क्या कि अभिभावकों और समुदाय को इसमें जोड़ा जाए, शिक्षक साथी बनाए जाए, उनको शिक्षक अपने साथी बनाए उनको, ताकि जो पढ़ाई का काम है, क्योंकि इसके पहले कोर्स 3 में आपने सुना कि कितनी सारी विधियां हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो एक शिक्षक को ध्यान रखनी पड़ती है एक बच्चे को पढ़ाते समय, तो यदि पालक का साथ मिल जाए तो वो बहुत आगे जाएगा। इसी में एक शब्द और मैं बोल रही थी, समुदाय, समुदाय का मैं ज्यादा जिक्र नहीं की, समुदाय को थोड़ा सा नहीं अगर समझे तो ये है कि समाज भी यदि ये देख ले कि हमारे विद्यालय में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत तो उसमें आकर सहभागिता बढ़ा दे, कोई अभिभावक की मदद कर दे अपने बच्चे को देखने में, और यदि कोई अच्छा कर रहा है तो उसे पुरस्कृत कर दे, और एक बार बस ध्यान रख ले बच्चों का, तो समुदाय की भूमिका हो जाती है। कोई शिक्षक अच्छा कर रहे हैं तो उसको समुदाय सम्मानित कर ले, तो वो भी समुदाय की भूमिका अच्छी तरीके से निर्वाह हो जाता है। तो ये कुछ बिंदु थे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कोर्स को करेंगे और उसके बाद अपने शाला में इसे जरूर लागू करेंगे, और ये तो सरकार की तरफ से आएगा ही, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप इसको करने के बाद खुद ही यदि करना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत ये मददगार होगा आगे भी आने के लिए। तो मैं अब यहाँ अपनी बातों को विराम देते हुए साहू सर को देती हूँ। साथियों, अभी हम सब कोर्स 3 और कोर्स 4 के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पूरे कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN की इस पूरे कार्यक्रम में प्रत्येक शिक्षक को 12 कोर्स करना है, जिनमें से अक्टूबर माह में 2 कोर्स, कोर्स 1 और कोर्स 2, अभी नवंबर माह चल रहा है और 1 तारीख से कोर्स 3 और कोर्स 4 प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को मालूम है कि कोर्स को पूरा तब माना जाता है जब वह किसी कोर्स को पूरा करने के बाद प्रश्नावली से गुजरे, अर्थात जब कोई कोर्स को पूरा पढ़ लेता है तब उसके बाद उसको 20 प्रश्न दिए जाते हैं ऑनलाइन, और उन 20 प्रश्नों से कम 14 प्रश्न को का सही जवाब उसको देना होता है, और 14 प्रश्नों के सही जवाब नहीं देते हैं, उसे कम प्रश्नों के सही जवाब देते हैं तो वह कोर्स पूरा होना नहीं माना जाता है। और जब कोर्स पूरा नहीं होता है तब उसको अधिकतम 3 ऑफर मिलते हैं, पहले बार में पूरा नहीं किया तो उसको दूसरे बार में करना पड़ेगा, तीसरे बार में करना पड़ेगा, और 3 बार में कोर्स को पूरा यदि नहीं कर पाता है तो उसको फिर पंजीयन करना पड़ेगा। और ये तीनों दोनों कोर्स को हर माह जो 2 कोर्स होते हैं, इन दोनों कोर्स को 3 बार में 1 महीना में करना है और 3 अटेम्प्ट में करना है। जब पूरा कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको माना जाएगा कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की आपको जानकारी हो गई है, और ये पूरे कार्यक्रम के संचालन के लिए, कार्यक्रम को दिशा देने के लिए निपुण भारत कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। आप सभी को मालूम है ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और हर राज्य के शिक्षक साथी इस पूरे कोर्स को कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि पिछले अक्टूबर माह में कोर्स 1 और कोर्स 2 को बहुत कम शिक्षक साथी ने किए, 60% तक ही हमारा लक्ष्य हासिल हो चुका है, जबकि 100% लक्ष्य हासिल करना है।
मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक साथी ये कोर्स पूरा नहीं करेंगे उनको तो ये कोर्स पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन उनके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो इस बात को शिक्षक साथी ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी ये कोर्स को पूरा करें। किसी भी एक कोर्स को पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगता है। 3 से 4 घंटे 30 दिन में आपको एक कोर्स के लिए 3-4 घंटे निकालना आसान बात है। और ये जो समय है ऐसा नहीं है कि निश्चित 3-4 घंटे में करना है, 24 घंटे में कभी भी 3-4 घंटे निकालो। और 3-4 घंटे एक साथ नहीं निकाल सकते तो 1 घंटा करो, फिर 2 घंटा करो, तीसरे दिन 5, तीसरे दिन 4, 4 दिन कभी भी ऐसा करके ये इस कोर्स को पूरा आप लोगों को किया जाना है और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। इस कोर्स को पूरा करने के लिए दीक्षा ऐप पर आपको पंजीयन करना होता है। ये सभी आप जानते हैं क्योंकि आप लोग निष्ठा 1.0 कार्यक्रम में जुड़े हुए थे पिछले वर्ष और आप लोग 18 कोर्स किए थे, 18 मॉड्यूल पूरा किए थे। तो कैसे दीक्षा पोर्टल पर पंजीयन करते हैं ये आपको मालूम है। यदि नहीं मालूम है तो SCERT के वेबसाइट में कैसे पंजीयन करते हैं वीडियो अपलोड किया गया है, या आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो वो वीडियो जो कोर्स को करने के लिए कैसे पंजीयन करते हैं आपको बहुत सारे लोगों के वीडियो मिल जाएंगे, शासकीय वीडियो मिल जाएंगे, किसी शिक्षक के द्वारा बनाया गया वीडियो मिल जाता है, किसी समुदाय के लोगों के द्वारा बनाया गया वीडियो मिल जाता है। तो मैं ये आश्वस्त हूँ या मेरा ये मानना है कि कैसे पंजीयन करते हैं और कैसे कोर्स को पूरा करते हैं ये सारे चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। केवल हम लोगों का विल पावर को और बढ़ाना है, अच्छा करना है और एक ठान लेना है कि हमको ये कोर्स कितना जल्दी हम कर सकते हैं। और यदि ये समझे कि इस कोर्स को, 2 कोर्सों को हम 10 दिन के भीतर पूरा कर दें, पहले 10 दिन में कोर्स को पूरा करना है ऐसा ठान ले तो ये दोनों कोर्स पूरा हो जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि खुदा ना खास्ता ये कोर्स पूरा नहीं हो पाया तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा क्या कमी है, तो हम अगले 10 तारीख के बाद इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। ये नहीं समझना है कि अभी तो बहुत दिन है, 15 तारीख को चालू करेंगे, तो ऐसा हमको नहीं समझना है। जितने जल्दी से जल्दी हो इस कोर्स को पूरा करना है। तो अगले माह भी हम लोग फिर 2 कोर्स ले कर के आएंगे। मुझे आशा है कि इन कोर्स के बारे में आप लोगों को जो जानकारी दी गई है आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा क्यों कोर्स करना है। ये पहले से आपको मालूम है क्योंकि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान अपेक्षित स्तर पर कक्षा स्तर के अनुरूप प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात बच्चों को लिखना पढ़ना बोलना नहीं आता। जिस कक्षा में जिस तरह के लिखना पढ़ना बोलने की बात कहा जाता है उस कक्षा के स्तर में उनको वो बातें नहीं आती है, और उसी प्रकार से गणित में संख्या ज्ञान नहीं आता है, जोड़ना नहीं आता है, घटाना नहीं आता है, ये बेसिक चीज़ है, गुणा करना भाग करना ये बिल्कुल नहीं आता है। और इसका जो दुष्परिणाम होता है इन चीज़ों का ठीक से ज्ञान नहीं होने के कारण ये चीज़ यथावत रहती है और हमारे बच्चे आगे कक्षा में चले जाते हैं, फिर आगे कक्षा में चले जाते हैं और उसको पता रहता है कि इसको तो गुना अभी तक आता ही नहीं है, जिस तरह से गुना आना चाहिए उसको गुना नहीं आता है, तो आगे की जो पढ़ाई है अवरुद्ध होते जाता है। और ये बहुत बड़ी संख्या में है, रिसर्चों से पता चला है कि 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की ज्ञान ही नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज के रूप में है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि इस कोर्स को करें और इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कहाँ कहाँ कठिनाई का अनुभव करते हैं, हम कहाँ कहाँ चूक जाते हैं जिससे बच्चों को अपेक्षित स्तर पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान नहीं हो पाती है। तो धन्यवाद साथियों, हम लोग अगले माह पुनः मिलेंगे 2 कोर्स लेकर के। और एक सूचना और देना चाहूँगा कि इन्हीं दोनों कोर्स पर आगामी दिनों में NCERT के द्वारा भी चर्चाएं जारी होगी, जिसका वीडियो लिंक हम आपके विकास खंड तक पहुंचा देंगे जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, डाइट प्रचारियों के माध्यम से, DMC के माध्यम से। तो उससे संपर्क रहिए और NCERT के जो वीडियो लॉन्च होने वाला है उसका भी लाभ लीजिए ताकि उनको देख करके आप वो पूरे कोर्स आसानी से कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।